मायावती जी 100% सही कह रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस चुनाव नहीं जीतने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के दायरे में जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को, उस कोटा को पूरा कांग्रेस ने नहीं किया। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी आरक्षण के सवाल पे आज जो वकालत कर रही है ये 100% झूठ बोल रही है। चाहे वो सपा बोल रही हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जब सत्ता थी इनकी तो सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने कभी एक बार भी जातिवार जनगणना की बात की थी? नहीं किया। सत्ता से हटने के बाद जब ये सत्ता में रहते हैं तब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक दिखाई नहीं देते कि इनको हिस्सा दिया जाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। सत्ता से बाहर होने के बाद तभी लोग बोलते हैं भैया ये लोग शुद्ध रूप से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के दुश्मन हैं, इनके हक को लूटने वाले लोग हैं और ये सत्ता से हटने के बाद घड़ियाली आंसू बहा करके वोट लेने के लिए परेशान हैं। देखिए, जहां तक जातिवार जनगणना का सवाल है, जिस तरह जो काम बसपा सपा कांग्रेस देश में सरकार बना के नहीं कर पाए, महिला आरक्षण, राजनीति में 33% विधान लोकसभा और राज्यसभा से पास किया, एनडीए गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी। मायावती जी भी उनके साथ थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सपा भी रही है, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये लोग 370 नहीं हटा पाए, जहां दलितों को आरक्षण, वंचितों को आरक्षण, पहाड़ियों को आरक्षण, विकास के लिए, वहां 370 नहीं हटा पाए। वो काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज देश में दंगे पर रोक लगाने का काम अगर कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, एनडीए गठबंधन ने किया। आज यूपी की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के 7.5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं हुए, न कर्फ्यू हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लग पाया। तो ये सब घड़ियालू आंसू वोट के लिए बहा रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं कि हमारे साथ आ जाएं, हमको वोट दे दें। अब फिर वोट दे देंगे, अब दे तो रहे थे कि खटाखट खटाखट सब घेरे दफ्तर, तो कहें कि अब सरकारें नहीं बनी तो हम लोग क्या करें, झूठ बोल के वोट लिए। कहें संविधान खतरे में है, संविधान कहाँ खतरे में है? खतरे में कांग्रेस सपा बसपा के लोग हैं, वो खतरे में हैं। उनकी सरकार नहीं बन रही है, वो लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, देश में प्रदेश में दंगा कराने का मौका नहीं मिल रहा है, इस नाते वो सब परेशान है। मायावती ने इसके साथ ही बड़ा ऐलान भी किया, उन्होंने कहा सपा हो या कांग्रेस हम इसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी को, सपा को, बसपा को, सबको आरक्षण विरोधी बता दिया। भाई देखिए, मायावती जी एक बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो तो स्वतंत्र हैं, मालिक हैं अपनी पार्टी के, कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब 2 जून को समाजवादी पार्टी के गुंडे उनके साथ गेस्ट हाउस कांड में क्या क्या किए, उस समय अगर कोई दिखाई दिया तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी, उनके जान बचाई। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो माननीय मुलायम सिंह जी को भी नेता बनाया समर्थन देके 89 में, ये प्रमाण है। मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाया समर्थन देके तो भारतीय जनता पार्टी ने, पहली बार दलित को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को समर्थन देके नेता बना दिया। 2 नेता ये हो गए, तीसरा नेता अनुप्रिया पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया, संजय निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में शामिल करके नेता बनाया, ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी तो नेता बना रही है और पार्टियां तो लोडर बना रही हैं। यहां तो लीडर की बात हो रही है, वहां तो लोडर की बात हो रही है। तो अब लोडर जिसको बनना है भाई, अब कांग्रेस सपा बसपा में जाके लोडर बने, ओम प्रकाश राजभर तो लीडर है। कुछो कोई करे, कितना कोई चिल्लाई, अंत में भाजपा जीती देख ली है।
लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।